اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أنت ربي وحدك لا شريك لك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। डीएनए चेक कराओ इधर। धमकी ये लगाते रहे और देखे किस तरह वो छुपा हुआ है जहीरुल हसन शाह और डर गया जाए नस गया जाए बात तकरीर करके 1 करोड़ रुपया नाम जाएगा ना क्या आया जाए। आना बाहर निकल। अच्छा मुझे बुला रहा था मीनारे पाकिस्तान में बुलाओ। मीनारे पाकिस्तान मौजूद है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो मिर्जा जैनी हक पर है और वो सब भी समझता हूँ हक पर हूँ उसको पालने वाले वो भी समझता हूँ ये हक पर है तो भाई अली फिर पाल के दो ना। आवा फिर मैं दसा 1 करोड़ कीमत ला के आप नस गया जे। मुकाम एक नाम वो मुकाम पर छुपे हुए थे। मुकाम एक नाम वो मुकाम पर छुपे हुए थे। ओए पीर नस गया तू। डीएनए चेक कराओ इधर। अरे बाप रे। हाँ पीर जहीरुल हसन शाह का डीएनए चेक करवाओ। अगर ये हुसैनी खून था ये बुजदिली क्यों दिखा गया। डीएनए चेक करो इधर। तड़िया मनु लांदा सी मनारे पाकिस्तान ते लैके आओ इनू। आप नस गया जे 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को क्या जे। मैं तो उतनी बैठे हूं। हाँ तेरे पीछे घोस सी ना तू नस गया डरपोका। हाँ मेरे पीछे अल्लाह का मैं बैठे हूं हूं दस केड़ा वड्डा घोस है। हाँ। छुपदा फिरदा जे। अच्छा वो टीएलपी के जो बड़े लोग हैं ना वो इसको कह रहे हैं गिरफ्तारी दे। वो कह रहे हैं मैं नहीं देनी। हाँ हाँ वो कह रहे हैं जाहिर है वो सारी जमात स्टेक पे लगी हुई है। वो कह रहे हैं दे। वो कह रहे मैं क्यों दवा। कल तक तू मनु तड़ियां लांदा सा हूं आप नठे हैं। बस इससे आपको पता चल गया इनके बड़े भी यही कुछ थे। तो मैंने ऐसा ये जवाब दिया था कि भाई तुम्हारा बापा जानी 1996 में उस पर एक ही दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई 30 साल हुए हैं उसे तुमने हवा नहीं लगवाई। वो नमाज भी पढ़ता है लादा से ऊपर कैबन में और 4 सिक्योरिटी गार्ड सिंध गवर्नमेंट ने उसे दिए हुए उस वक्त से। मैंने 1999 में उनके पीछे नमाज कराची में पढ़ी थी। किस सिक्योरिटी में आते थे आप तो उससे भी जाते रहे और नमाज पढ़ाते हुए दाएं बाएं उनके क्लाशनकोव उठा के बंदे नमाजियों की तरफ खड़े होते थे। मैं पहली सब में था। और ये वो लोग हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अमीर अहले सुन्नत। ये इनका भी अमीर है ये ज़हन में रखिएगा टीएलपी वालों का भी। उसको लाना मनारे पाकिस्तान पे। मुझे कहता था कि बुलाओ इन्हें मनारे पाकिस्तान पे। अगर सच्चा तो घर से क्यों निकलता। ओए पीर ज़हीरुल हसन तू निकल बाहर। लुके छुप गया ना केपी में जाके छुप गया। इतने छापे मारे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखी और कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा अपनी जेब से और सारे नारा मारे और सारे 1500 देते FIR कट कीजिए और आप नसे आ जाए। मुझे बुला रहा था मनारे पाकिस्तान पे खुद भागा हुआ है और कल तक तो तुम कहते थे हम फांसी के फंदे को चूम लेंगे। निकलो ना बाहर क्यों लुके हो दो गिरफ्तारी पता तो नहीं लगेगी। साथ रिजवी ने नहीं बयान देता क्योंकि वो जेल कट बैठा है उन्हें पता है जेल का मतलब क्या होता है। ए डी सी अभी तक जेल गया ना ए जाए बगैर ही समझ गया नस गया जे। ठीक है धमकी मुझे लगा रहा था भागा खुद हुआ है देना गिरफ्तारी। अब तूने तो सर की कीमत रखी थी तूने तो धरने देने थे खुद भाग गया। ये टोटल इनका इश्क रसूल है जी जल्दी झूठा लोगों को धमकियां लगाना। मुझे कह रहा था इसे मनारे पाकिस्तान पे लेके आओ खुद अपने घर भी नहीं आ सक रहा। कितने बुजुर्ग जिन्हें हाथ से पीछे हाथ में मरोड़ देते बाबा में पांदी थी जी थोड़े पिछे सन वो बाबे मार देते जो उड़ते सन सब कहानियां थी। तो ये मुझे मौका इसलिए मिला कि इसने इस तरह फिर ये इसने कितना जालमाना खेल खेला। इसने पहले जो इसकी वीडियो है इसमें इसने कहा कि उस जमाने में ग्रेट ब्रिटेन ने पनाह दी थी गुलाम का यानी दज्जाल को और आज इंजीनियर को इदारों ने पनाह दी हुई है। मतलब ये क्या मैसेज देना चाहते हैं ये अंग्रेज ने बड़े संगीत के अंदर मिलते पैदा कर लिया उसके पीछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई बड़ा तोहफा फराम किया गया जिस तरह हूं मिलते जेल में तोहफा फराम पूरे उनके पाकिस्तान के लवान कह रहे हैं कि तू मैदान में चला आज ही मुरादा कर दी यार लेकिन मुरादे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने दफन करना है लोग उन्होंने हर तरह की सौदा दे रहे हैं उन्होंने दफन फराम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहा। चिश्ती रसूल्ला थानवी रसूल्ला शिबली रसूल्ला
कि मरने वाले लोग हमें कह रहे हैं, हम तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के पेशवा तुम्हारे बुजुर्गों को समझते हैं, वो तुम्हारा भाई है जी, वैसे भी वो हनफी था, हाँ जी हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, कादियानी फिक में हनफी है, बगैर रफ़ उलिदैन के नमाज पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स रफ़ उलिदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ तरीका, और जिस गौसे पाक की ग्यारहवीं खा रहे हैं और जिसके धोबी को ये कहते हैं जी गौसे पाक था, तो भी वो भी रफ़ उलिदैन से नमाज पढ़ते थे, उन्होंने यही तरीका लिखा है उन्हें तो तालबीन में, ये सिर्फ ग्यारहवीं उनके नाम की खाते हैं। तो एक कहानियां करानी छोड़ो, ये धूरा लूरा लगड़ा दीन तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले दिनों इन्होंने एक हंगामा खड़ा किया हमारे जन्म शहर में भी, कहीं कादियानी जो है वो अपने घर के अंदर भी कुर्बानी नहीं कर सकते बड़ी ईद की। चले ओपनली तो किसी पे कंट्रोल किया जा सकता है, घर के अंदर तो हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, हमारे नजदीक तो आप भी जो घर के अंदर ग्यारहवीं देते हैं गैरुल्लाह के नाम की, हम तो उसे जायज नहीं समझते, तो आप तुम्हारी ग्यारहवीं बंद करवाने तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, हम ये दिन भी आना है ध्यान में रखिएगा। हाँ वाबी तो इसे शिर्क समझते हैं, फिर वाबियों की जिम्मेदारी है कि किसी बरेलवी को अपने घर के अंदर ग्यारहवीं ना करने दें। और तुम्हारे आला हज़रत तो बहुत आगे गए हैं, उन्होंने सिर्फ कादियानियों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने अहकाम शरीयत में लिखा है कि खा वहाबी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, राफ़िज़ी शिया हो, या कादियानी हो, कादियानी काफिरों के साथ इनको जिक्र किया, या नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के नेचर में मानने वाले लोग, ये एक लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार और हराम रहेगा, ये सब के सब मुर्तद है यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदों नसारा का ज़बिया हलाल है, यहूदों नसारा का जेट कौन हुआ फिर, शरी मसला उनका दुरुस्त है कि यहूदों नसारा का ज़बिया हलाल है, हम ये कहते हैं अगर यहूदों नसारा का ज़बिया हलाल है ना तो फिर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया का भी ज़बिया हलाल है, ये तो कलमा का मुसलमान है, लेकिन उन्होंने सब कहा। लिहाजा मैंने इनको कहा था पीर ज़हीरुल हसन ये तेरी जिम्मेदारी है सिर्फ कादियानियों को कुर्बानी से नहीं रोकना जी, देवबंदियों को भी रोकना है, अहले हदीस को भी रोकना है, आला हज़रत के नामुकम्मल मिशन की तकमील करनी है, शिया को भी रोकना है, थोड़ा बांधन के थोड़ा, अब जो कि देवबंदी करोड़ों में है, शिया करोड़ों में है, अहले हदीस भी मिलियंस में है, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते ये, हालांकि आला हज़रत ने कादियानियों के साथ इनका जिक्र भी किया था, अब पता चल गया ये खदमे नबूत में काम नहीं है बल्कि एंटी कादियानी काम है। हमारा मौकिफ तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह मैं जब लोहा गर्म होगा ना फिर मैं इनके ऊपर एक ही दफा वार करूंगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला। मलफूजात आला हजरत में आला हजरत से पूछा गया कि ये देवबंदियों के पीछे अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उन्होंने कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं, जिस घर में मजबूर नमाज होती है ना कुफार की मस्जिदों में नमाज हो जाएगी, कुफार की मसाजिद, कुफार किसे कहा, देवबंद को और अहले हदीस को, वहाबी आला हजरत इन दोनों को कहते हैं, लेकिन ब्लंडर हो गया, मसाजिद कह दिया, कुफार की मसाजिद नहीं होती है, कुफार की इबादत गाहें होती है, मसाजिद तो मुसलमानों की होती है, ये आला हजरत से भी ब्लंडर हो गया, इसलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो अपनी इबादत गांव में। और अगर टीएलपी की गवर्नमेंट आ गई फिर वाबियों तुम भूल जाओ, तुम्हारी मस्जिद में भी फिर बैतुल हम्द लिखा जाएगा, बादशाही मस्जिद नहीं रहेगी फिर, बादशाही बैतुल हम्द होएगा, शाह फैसल बैतुल हम्द होएगा, क्योंकि ये वाबियों के पास है ना, और मस्जिद नबी किसके पास है, और बैतुल्ला शरीफ किसके पास है, वो नजदियों के पास, ये उनको नजदी कहते हैं ना, तो क्या करेंगे ये सारा, वो बैतुल हम्द कर देंगे, ये कहानियां करवानी छोड़ो, तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर सकते हो, खत्मे नबूवत पे तुम लोगों ने काम किया होता ना अगर ये कादियानियत का फितना इतने मुल्कों में ना फैलता, तुम लोगों ने इन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए, उनके पास सारा सहारा यही बुजुर्ग बाबों की लिखी हुई बातें।